Hi everybody and welcome back to my channel. So आज मेरे पास review करने के लिए ये है, ये Fabbag है और ये unboxing video नहीं है. To be very honest with you guys, जब भी कोई parcel आता है और उसमें कोई wrapper होता है या कोई box होता है, मेरे पास एक pet है, उसको वो चीजें चाहिए होती है box फाड़ने के लिए और wrapper भी फाड़ने के लिए, उसका जो paper plastic bag होता है. तो इसीलिए मैंने जैसे ही वो receive हुआ तो वो इतना ज़्यादा playful हो गई कि उसको वो मिलेगा, तो फिर मैंने उस इस चीज़ को मैंने निकाल लिया और उसको वो बॉक्स दे दिया. ऑनेस्टली इसलिए मेरे पास कोई अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है. इससे पहले मैंने जितने भी सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के वीडियोस किए हैं वो ऑलमोस्ट अनबॉक्सिंग ही होते थे, तो इसीलिए ये वाला नहीं है, सॉरी फॉर दैट. तो मेरे पास इस महीने का Fabbag है और ये Fabbag उनके जो इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैंने देखा था, दो कलर्स में अवेलेबल था, एक पिंक था और एक येलो था. तो मुझे येलो कलर ज़्यादा पसंद है, तो आई वॉज होपिंग कि मुझे येलो कलर मिले, तो मुझे येलो कलर ही मिला. तो आई एम हैप्पी दैट आई रिसीव दिस कलर. तो ये एक मतलब क्या बोलूँ, कपड़े का भी नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं है, तो बीच में का है, थोड़ा सा प्लास्टिक कपड़े का है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे है ये. तो अभी मैंने इसमें ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इसमें चीज़ें देख ली हैं, मैंने चीज़ें स्वॉच भी किए हैं एंड आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद दिस वॉट एवर आई हैव रिसीव. क्यों मैं आपको वो भी बताती हूँ. तो इसको एक ऐसे बटन वाला ये वाला जो क्लोजिंग है, ठीक है, अच्छा है. मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो Fabbag जो बैग्स अभी बना रहे हैं ना, मुझे सही में अच्छा लग रहा है. लास्ट टाइम भी जो उन्होंने जो बैग बनाया था, मैं उसको ना ऑफिस लेके जाती हूँ, उसमें मेरी चीज़ें पड़ी हुई है. ऐसे नहीं कि मैंने दिखाने के लिए रखा है, अब मैंने मेकअप किया है मेरा वीडियो के लिए, इसमें मैंने रखा है, इसमें मेरा मेकअप का सामान है जो मैं ऑफिस ले जाती हूँ. तो मुझे सच में इनके बैग्स अच्छे लग रहे हैं अभी. तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं. ऑफकोर्स हमेशा की तरह इनके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं, इस बार तीन कार्ड्स है. डियर रिया, रिया मेरा नाम है बाय द वे. मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला नहीं कि मेरा वीडियो सॉरी मेरा नाम रिया है, बस चैनल इंट्रोडक्शन में ही बोला था. तो हाँ, इसमें हाँ डियर रिया बोलने के बाद उसके बाद हैव फन ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स आउट. और जितनी भी प्रोडक्ट्स इस पर मैंशन है, उसकी प्राइस, उनका जितना भी क्वान्टिटी है, वो सब इस पर मैंशन है. सो आज इस महीने का जो है आप कार्ड्स देखे तो आपको मतलब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे लिखे हुए हैं. जैसे कि मैंने प्रोडक्ट्स देख ही लिए, उनके प्राइसेस भी देख लिए. ये रिन्यूअल कोड दिया हुआ है उन्होंने कि इनकेस मेरा, एक्चुअली मैं 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हूँ इनका, मैं 12 मंथ्स का नहीं लेती हूँ. तो इसके बाद लूँगी या नहीं वो भी नहीं पता. तो उन्होंने मुझे रिन्यूअल कोड भेजा हुआ है. और दूसरी बात ये है, एक Fabbag कॉन्टेस्ट, ये हमेशा हमें Fabbag में मिलता है. तो दैट वॉज ऑल द कार्ड्स दैट वी रिसीव्ड. और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें क्या सब चीज़ें हैं. तो मैं फर्स्ट तो दिखाना चाहूँगी ये ब्लीच. सही बताऊँ तो मैं ब्लीच करती हूँ मेरे फेस को, क्योंकि यूँ नहीं कि मुझे गोरा दिखना है ऐसा कुछ भी. बात ये है कि आई हैव फेशियल हेयर, तो वो बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक है, तो वो इतने नहीं दिखते हैं, बट अगर इतने करीब से कोई मुझे देखेगा तो ज़रूर वो दिखेगा. इसीलिए मैं ब्लीच करती हूँ. और कोइंसिडेंटली मेरा ब्लीच ख़त्म हो गया था, तो मैं कल के दिन ब्लीच लाने वाली थी, पर मुझे Fabbag रिसीव हो गया, तो इसमें मुझे ये ब्लीच मिला है. और जो ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ वो है फेम का ही ब्लीच, जो पिंक कलर वाला है, जो फेयर स्किन टाइप के लिए है, वो मैं यूज़ करती हूँ. तो ये वाला जो है डी टैन ब्लीच है और ये न्यू है. और ये कितने का है, डी टैन ऑरेंज पील क्रेम ब्लीच, एंड ये फुल साइज़ का प्रोडक्ट है और ये 40 रुपीज़ का है. तो ये मुझे तो प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा अच्छा है नहीं है. तो हाँ, जिनको जो ब्लीच नहीं करते और जो ब्लीच इस्तेमाल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम के लिए, प्लीज़ खुद ना कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता एक्टिवेटर कितना डालना है कितना नहीं. एंड अगर आप एक्टिवेटर ज़्यादा डाल दें देन दैट कैन बर्न योर फेस. तो प्लीज़ ब्लीच कोई खेलने की चीज़ नहीं है. आप किसी मतलब जो करता है, जो पार्लर होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, प्लीज़ उसी के पास जाइए. तो इसका 2 ईयर्स का इसका क्या बोलते हैं एक्सपायरी पीरियड है. 7th of 2017 बना था और 1st January 2019 तक आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो. 40 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है. नेक्स्ट है ये वाला है क्या, ये हाँ
हाँ, ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक सनब्लॉक लोशन है. एंड आपको पता है समर कितना है, बट इसका ये मतलब, समर मतलब हीट कितना है, और इसका ये मतलब नहीं है कि समर में ही आपको सनस्क्रीन लगाना है. बात ये है कि सन हमेशा होता है, और जब भी आप सन में जाए आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, वरना आपकी एजिंग बहुत जल्दी होगी, और उसके बाद फिर आपको पिगमेंटेशन आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. तो आपको हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए. तो मैं बता दूं आपको, ये सनस्क्रीन 30 PA++ का है, ऑल नेचुरल मिनरल लाइन ये लिखा हुआ है इस पे, एंड दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA/UVB प्रोटेक्ट एंड मैटिफाइज. तो ये चीज़ इस पे लिखी हुई है, और ये है कितने की, ये 20 ml प्रोडक्ट है, और ये है क्यू कार्ड, कहाँ रख दिया मैंने, सो ये है 20 ml है 75 rupees का. तो एक्चुअली ये कोई बुरा अमाउंट नहीं है सनस्क्रीन के लिए, मतलब आपको बस इतना सा चाहिए होता है आपके फेस पे लगाने के लिए, इतना सा आपके नेक पे लगाने के लिए. हाथ पैरों पे लगा रहे हो तो अलग बात है, ये ख़त्म हो ही जाएगा. बट हाँ, इतना ये पोर्शन तो ऑलमोस्ट हमारा ओपन ही होता है, अंटिल एंड अनलेस आप फुल स्लीव्स पहनो, फिर भी ये पोर्शन ओपन होता है, फिर भी आपको इतना सा यूज़ होगा. तो आपको वो आप सारी जगह पे लगाना चाहते हो, आपके फेस पे, नेक पे, हाथ पे भी लगाना चाहते हो, फिर भी ये एक महीने चलेगा. तो इट इज़ अ गुड डीलक्स साइज सैम्पल, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं. तो इसका स्वॉच मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टाइप का लग रहा है. ये इसका कोई ज़्यादा मतलब हार्श सा फ्रेग्रेंस नहीं है, बट इसको ब्लेंड करने के बाद ना ऐसे लग रहा है, ठीक है, मैटिफाइज का जो क्लेम उन्होंने डाला है ये एकदम सही डाला है इन्होंने, क्योंकि अब मैंने जैसे इसको ब्लेंड कर लिया ना, ये एकदम गायब हो गया. बट इसका जैसे जैसे एक पाउडरी टेक्सचर होता है ना, वैसा कुछ इस पर आ गया. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं बिना लोशन के ये सनस्क्रीन अगर बाहर लगा के जाऊँ तो शायद ये मेरे स्किन को ड्राई आउट कर दे. बट डेफिनेटली ऑयली स्किन टाइप के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए, नॉर्मल स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. डेफिनेटली मैं जो बोल रही हूँ मैं इसे बिना इस्तेमाल करे बोल नहीं सकती हूँ, ये मैंने बस हाथ पे लगाया हुआ है तभी मुझे ये समझ गया है. बट डेफिनेटली मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे पाऊँगी. एनीवे, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ये है, इसको तो मैंने सही में नहीं देखा है, पता नहीं ये क्या है, मतलब मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया था क्योंकि मुझे देखना था कि लिपस्टिक का कलर कैसा है. तो ये चीज़ है तिजोरी की तरफ से, लास्ट टाइम भी हमें तिजोरी का एक फेस मास्क मिला था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो टर्मरिक का कोई फेस मास्क था. मैं उसको 4 बार अब तक लगा चुकी हूँ एंड वो सीरियसली बहुत अच्छा है. 500 rupees के आसपास का था, अगर मैं चाहूँ मैं उस पर भी रिव्यू कर सकती हूँ, वो इतना ज़्यादा अच्छा है. तो ये है नाइट स्किन रिपेयर एलेक्सार, और ये शायद बस 7-10 ml का लग रहा है. दिस इज अ फुल साइज प्रोडक्ट एंड इट कॉस्ट 995 rupees. इट्स टू मच. ऐसा क्या है इसमें, मैं सही बताऊँ मैं ना फोटो इंसर्ट करूँगी, मैं मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा है, इतना छोटा लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेक्स से अभी तक तो नहीं है, बट मैं सही में पढ़ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखा है. डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, नहीं पढ़ पा रही हूँ क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, ऊपर कैप्शन में लिखा है वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ. एनीवे, ये नाइट स्किन रिपेयर एलेक्सार है, उनके वेबसाइट पर जाऊँगी, देखूँगी ये किस चीज़ से बना हुआ है किस चीज़ से नहीं. अगर मुझे पता चलता है किस चीज़ से बना हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ज़रूर डालूँगी. तो ये चीज़ है, मैं इसे ओपन कर ही लेती हूँ. इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और MRP लिखा हुआ है. MRP इस पर लिखा हुआ है 995 rupees और इस पर लिखा है 999 rupees, 4 rupees का गैप है, ठीक है. तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है जनवरी 2018 है, और उसका एक्सपायरी जो है 2001 है, ठीक है. तो ये एक ऐसे मतलब इसका जो पैक्ट है इसका फ्रेग्रेंस ना बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, बट किसके जैसा लग रहा है मुझे सही में नहीं पता. तो इसका ना इतना वाइड
मैं इसको टिल्ट करूँगी गिर जाएगा, ये इतना वाइड इसका इसका जो मतलब माउथ है इस बॉटल का इतना वाइड है, पता नहीं इतना वाइड क्यों है। ठीक है मैं बंद कर देती हूँ, मुझसे गिर जाएगा, और ये बंद भी नहीं हो रहा है अभी। सीरियसली मैं इस वीडियो को अभी कट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है ये निकल चुका है और मैं उसको बंद कर चुकी हूँ, तो ये एकदम ऑयल टाइप का है, ऑफ कोर्स एलेक्सार है, तो मैं इसको यहाँ यहाँ लगा दूंगी। और ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो अब्सॉर्ब हो भी गया ऐसे, मतलब ऐसा इसको टच करके ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी मैंने इस पर तेल लगाया, ऐसा लग रहा है मैंने क्रीम लगाया और बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो गया। तो इट इज़ वेरी लाइट वेट, मुझे ऐसा लग रहा है ना इसको लगाते वक्त कि ऑयली स्किन वाले इसको ज़रूर मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा मतलब नॉन ग्रीसी है, एकदम बिल्कुल भी नॉन ग्रीसी है, और इसका इसका फ्रेगरेंस बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी चीज़ का सिमिलर फ्रेगरेंस है बट देन मुझे याद नहीं आ रहा अभी किसका। नेक्स्ट है ये है रॉको की तरफ से 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क, एंड दिस इज 25 grams। तो इसका प्राइस क्या है बताऊँ मैं आपको, रॉको हाँ तो ये 300 rupees का है, 25 grams 300 rupees का है, तो प्राइस इज फाइन, इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने अभी इसको निकाला हुआ है, तो इस पर क्या लिखा है 300 rupees का है, डायरेक्शंस लिखे हुए हैं इस पर, टेक रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्प्रेड इवनली ऑन द फेस एंड नेक, रब फॉर सॉरी मसाज फॉर 2 minutes एंड देन वॉश ऑफ। तो स्क्रब कहाँ से हुआ, फॉर स्क्रबिंग जेंटली मसाज फॉर 2 minutes, ठीक है बहुत ज़्यादा जेंटल होगा, देन वॉश ऑफ एंड ठीक है, ओके 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 माई बैड, फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी सोई हुई है यहाँ पे इसीलिए कैमरा हिला, बट ठीक है इस पर सॉरी डायरेक्शंस माई बैड, मैं बहुत ज़्यादा गलत पढ़ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है इस पर, इस पर लिखा हुआ है फॉर स्क्रबिंग जेंटली मसाज फॉर 2 minutes एंड देन वॉश ऑफ एंड एज अ मास्क। अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे 20 minutes रखना है, एंड 12 months के लिए आप इसे रख सकते हो आफ्टर ओपनिंग। तो ये चीज़ ओपन करने के बाद एकदम कॉफ़ी जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि डाबर हनी में इसको मिला के रखा हुआ है, ये बहुत तो दिखाओ ना, अगर मैं इसको टिल्ट करूँगी गिर जाएगा, कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, मैं हाथ पे लगा के दिखा सकती हूँ, मैं इसे बंद कर देती हूँ सही में गिर जाएगा मुझसे, ये ऐसा है और ये बहुत स्टिकी है, ऐसा लग रहा है कि ये सही में हनी है, बट इसमें हनी तो है ही नहीं हाँ रॉ जंगल हनी, बट इसका ये लास्ट इंग्रेडिएंट है रॉ जंगल हनी, तो इसमें रॉ जंगल हनी काफ़ी कम होगा, जो लास्ट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें वो सबसे कम क्वांटिटी के होते हैं प्रोडक्ट में, जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर होते हैं काफ़ी कम होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा हनी लाइक टेक्स्चर है। अभी मैं इसको साफ कर देती हूँ, इसका रिव्यू शायद मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है कि ये मेरे स्किन को ड्राई नहीं करेगा, मुझे नहीं पता करेगा या नहीं करेगा। तो वो सारे थे जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे ऑनेस्टली, बिना ट्राई करने के बाद, बिना ट्राई करने पे भी मुझे अच्छे लगे, और ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है 13 मिनट्स लंबा, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलूँगी। अब मैं आती हूँ उस पार्ट पे, क्योंकि मुझे ये फैबबैग क्यों नहीं मतलब क्यों इरिटेटिंग लगा मुझे एकदम, एक तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन हमें दिया था करने के लिए नेल्फ की लिपस्टिक्स, तो नेल्फ का ये जो वेलवेट टच क्रीमी लिपस्टिक है हमारे पास, नेल्फ के आई थिंक 7 to 8 ऑप्शंस थे, तो मैंने पहले मुझे कोरल्स और ऑरेंज कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी स्किन टोन पे, मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश लगता है, तो मैंने कोई एक वॉर्म ऑरेंज एक ब्राइट ऑरेंज ऐसा कुछ था, तो फिर वो मैंने सेलेक्ट किया था, बट रिसेंटली मैंने NYB की एक लिपस्टिक ले ली थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे वो नहीं लेना चाहिए ऑरेंज कलर, क्योंकि सेम कलर हो जाएगा, तो मैंने चुना इस कलर को।
अब इसका नंबर है 04 और इसका जो शेड नेम है कोरल पिंक है। अगर कोरल पिंक का किसी शेड का नाम लिखते हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई लिखते हो प्लमिश कलर और डैजलिंग रेड और प्रिटी पिंक, ब्राइट पिंक, अगर ऐसा कोई आप कलर लिखते हो तो आप क्या सोचोगे? डैजलिंग रेड एक ब्राइट रेड होगा या फिर जो पिंक कलर होगा, तो एकदम आप कितना गलत हो सकते हो पिंक कलर से, ठीक है। पिंक होगा या तो पिंक लाइट पिंक होगा या तो पिंक डार्क पिंक होगा, या फिर आप मरूनिश मरून ऐसा कोई शेड होगा, आपको पता है वो मरून की ही फैमिली में कुछ होगा। अब मरून दे के वो अगर पिंक लिखे उसके बाद ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका शेड नेम था ये ऐसा कुछ दिखता है। इसका ना पैकेजिंग एकदम वो लैक्मे का एब्सोल्यूट जो रेंज है ना वही सेम पैकेजिंग है इसकी। कॉस्ट भी इसका 800 रुपीज़ है। तो प्रॉब्लम मुझे हर चीज़ से इसमें, लिपस्टिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बस पैकेजिंग की बात कर रही हूँ, प्राइस की बात कर रही हूँ और लिप जो नाम है उसका मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ठीक है, मुझे मैंने पहले, अगर आप खरीदने जाओ प्रोडक्ट तो आप क्या करते हो? ऑनलाइन खरीदने जाते हो या तो गूगल करते हो या तो आप यूट्यूब पे आते हो देखने के लिए किसी ने स्वॉच डाला है किसी ने कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक बार चेक किया था कि कलर का नाम क्या है कैसा शेड है, मुझे कुछ नहीं मिला। तो कोरल पिंक मुझे क्या लगेगा, ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि एकदम नियॉनिश थोड़ा सा लाइट नियॉनिश पिंक होगा या फिर उसमें थोड़े से वार्म अंडरटोन्स होंगे कोरल के या फिर समवॉट अराउंड ऑरेंज के अंडरटोन्स होंगे, मुझे ऐसा लगा था। तो ऑल्सो मैंने ना बहुत ही ज़्यादा एक प्रिटी इमेज अपने माइंड में बना लिया था, पर हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था जो मैं इमेज मैंने बनाया हुआ है ये वैसा नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है। कोरल के साथ पिंक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर अ लिपस्टिक फॉर यू नो मीडियम स्किन टोन या फिर फेयर ये स्किन टोन्स में। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि ठीक है अगर ऐसा हो तो फिर मैं ये ले लूँ, तो मैंने इसलिए लिया। जब ये अराइव हुआ, एक तो इसकी पैकेजिंग ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब ऐसा है ना प्राइस पॉइंट के लिए ये लिटरली बहुत फ्लिमजी है। देखो प्रोडक्ट निकल नहीं रहा है और मैं ये कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। इसको देख के ना कोई बोलेगा नहीं कि 800 में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 350 का होता 400 का होता मैं फिर भी मान लेती, क्योंकि अगर लैक्मे जैसा एक गुडविल वाला जो ब्रांड है ये बहुत टाइम से है इंडियन मार्केट में। मैं इसे डिफेम करने की कोशिश नहीं करती हूँ, पर लैक्मे बहुत टाइम से है इंडियन मार्केट में और एब्सोल्यूट जो रेंज है उनका प्रीमियम रेंज है। तो 800 का वो जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, जस्टिफाई करता है, वो सेल में भी आपको मिल जाएगा। बट ऐसे कोई ब्रांड्स जो अभी न्यू है मार्केट में जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस में आ रहे तब जान रहे, तो इसका 800 का प्राइस का पॉइंट रखना मुझे कोई वैलिड नहीं लगा। और एक बात शेड नेम मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने वो इमेजिन किया था, कोई भी इमेजिन करेगा कोरल प्लस पिंक बहुत प्रिटी कलर होता है, बट कोरल प्लस पिंक बोल के आप पिंक नहीं दे सकते, सिर्फ पिंक दिया हुआ है, मतलब दिस इज द शेड। एक बात बताऊँ मैं आपको, शेड बहुत प्रिटी है, ये एक नॉर्मल पिंक कलर का शेड है। आप अगर इसको सिर्फ पिंक नाम देते ना तब ये जस्टिफाई होता कि ठीक है पिंक कलर है आपको पिंक मिला है। कोरल पिंक नाम का कलर कोई और कस्टमर कुछ और इमेजिन करेगा, नाम से ही तो आप प्रोडक्ट कर सकते हो कि ठीक है हाँ मरून बोला है तो मरून मिलेगा, रेड बोला है नाम में तो रेड मिलेगा। अब पिंक और कोरल दोनों कलर्स होते तो उसका मिक्सचर मिलना चाहिए ना, मुझे अगर बस पिंक मिला है इट्स, अगर पिंक नाम होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव लव्ड इट। कोरल पिंक मैंने कुछ और सोचा था, मुझे कुछ और मिला इसलिए मुझे लिपस्टिक नहीं पसंद आई। डेफिनेटली अगर जिसको कोई पिंक कलर खरीदना हो तो डेफिनेटली आप अगर आप फैबबैग मंगा रहे हो तो आप ये कलर मंगा सकते हो। एज अ कलर ये बहुत प्रिटी है, बट ऐसा नहीं कि कोई यूनिक कलर है। आपको अगर खरीदना भी हो ना, अगर फैबबैग नहीं खरीदना हो कोई और कलर खरीदना हो ऐसे ही कलर का, तो आपको बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक पिंक कलर है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, ये एकदम ही पिंक। तो ये एक्चुअली मैं जान के इस वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बात ये है कि मुझे ये चीज़ रिसीव हुई है वापस से नेल्स की तरफ से, और फैबबैग जो है ना ये एक कस्टमाइज्ड बैग है। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट एक टाइम पर मिल रहा है, एक महीने में मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पर वो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि इफ़ इन केस अगर ये होता है तो वो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। बात यह है कि लास्ट टाइम जब मुझे फैबबैग मिला था, आप जाके चेक कर सकते हो, जो फैबबैग मुझे मिला था उसमें मुझे नेल का ही आईलाइनर मिला था और वो भी ग्रीन कलर में मिला था, और अभी भी उन्होंने मुझे जो आईलाइनर दिया है वो ग्रीन कलर का दिया है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना बस कि मुझे ग्रीन कलर का आईलाइनर वो ना दे। मैंने दूसरे भी फैबबैग के वीडियोज़ देखे थे, एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी
ब्राउन था, ब्लू था, अरे कुछ भी दे सकते थे, बट वापस से जिसको आप ग्रीन दे रहे हो उसको आप वापस से ग्रीन दो। अगर इसके बाद मुझे कहीं जाना हो वेकेशन के लिए, या फिर किसी की शादी अटेंड करने मुझे बाहर जाना हो, मुझे टाइम नहीं है ये सब चेंज करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी? आई जस्ट डोंट गेट द पॉइंट। अगर आप बोलते हो कस्टमाइज आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स हो, तो ऐसे ब्लेंडर्स कैसे कर सकते हो? आपने लास्ट टाइम मुझे ग्रीन दिया, वापस से मुझे ग्रीन दे दिया। नो डाउट मैंने इसको स्वॉच किया है ना, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये मेड इन जर्मनी है, ये ऐसा है, रिट्रैक्टेबल है, बहुत क्रीमी भी है। स्वॉच ज़्यादा करके दिखाती हूँ इनकेस आप लोगों को इंडिविजुअली ख़रीदना हो तो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है, बट बात यही है ना कि आप दो दो ग्रीन, ठीक है मैं अगर यूट्यूबर हूँ, अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बट ये लिटरली मुझे 6-7-8 महीने जाएंगे अगर मैं ओवर द आईज लगाऊं। मुझे एवरी डे अगर मैं इसको फिर भी इस्तेमाल करूँ तभी ये 1 or 2 months आराम से चलेगा। तो ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे ये फैबबैग थोड़ा सा ओके टाइप्स लगा, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा, क्योंकि आप कलर कुछ और बोलते हो, कलर कुछ और देते हो, उसके बाद आप जो कलर मुझे दे चुके हो वही वापस दे रहे हो। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने रिव्यू की है, जो फेस पैक है यहाँ रखा हुआ है, जो ये एलेक्सर है यहाँ रखा हुआ है, उसके बाद फिर वो सन ब्लॉक है, फिर ये जो इसकी तो मुझे ज़रूरत थी तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट द लिपस्टिक एंड द आई लाइनर जो मेन प्रोडक्ट्स थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो ये था मेरा रिव्यू, एंड सीरियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, मुझे नहीं पता कि मैंने इसको 2-3 टेक्स में ही लिया है, कितना ज़्यादा मैं क्या काट पाऊँगी इसमें से, तो आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर मैं इंग्लिश में बनाती तो बिल्कुल इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो मदर टंग है एनीवे। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो डेफिनेटली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मैं कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ, और आजकल मैं हिंदी में वीडियोस बनाने लगी हूँ, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, डेफिनेटली कमेंट शेयर सारा कुछ करना, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।